हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो है इस मेकअप लुक के बारे में। मैंने एक्चुअली मैक का जो कॉकटेल क्लैम मेकअप लुक है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी जस्ट इन केस आप देखना चाहो तो। सो मैंने उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करी थी, वहाँ पर उन्होंने सारे मैक के प्रोडक्ट्स यूज़ किए। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये जो मेकअप ट्यूटोरियल है ये किया गया है एसएफआर कलर के आर्टिस्टिक पैलेट का, वो जो बड़ा सा पैलेट है जिसमें 75 कलर्स हैं। एंड द पिगमेंटेशन, ओह माय गॉड, इज अमेजिंग यू गाइस। सो आई हैव यूज्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ कलर्स फ्रॉम देयर। सो इफ यू वांट टू नो हाउ टू गेट दिस लुक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो फर्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। आई एम यूजिंग बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर, देन लिप्स को मॉइस्चराइज करियो जस्ट हर्ब्स के कोई कॉफी से, एंड देन फाइनली अंडर आईज को मॉइस्चराइज करियो वॉटर की अंडर आई क्रीम से। एज अ प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल पतंजलि का। आप कोई भी प्राइमर यूज कर सकते हो या एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। देन मैं अपने आईलेट्स को प्राइम कर रही हूँ यूजिंग मिस क्लेयर का फुल कवरेज मेकअप। आई एम इन द शेड 04। तो इससे मैं अपने आईलेट्स को प्राइम कर रही हूँ जिससे कि जो भी डार्कनेस है मेरे आईज पे वो कैंसिल आउट हो जाए और एक क्लीन कैनवस मुझे मिले अपने आई शेडोज को अप्लाई करने के लिए। सो या जस्ट डूइंग दैट, एंड वंस दैट इज डन मैं ये यूज़ कर रही हूँ सफार कलर्स का न्यू आर्टिस्टिक आई शेडो पैलेट। और इसका ये जो एक क्रीमिश शेड था उससे मैं अपने कंसीलर को सेट डाउन कर रही हूँ जिससे कि उसके ऊपर जो आई शेडोज मैं अप्लाई करूँगी वो अच्छे से ब्लेंड होंगे। तो आई एम टेकिंग एसएफआर कलर्स की मैजिक प्ले स्टिक, दिस इज इन द शेड वायलेट। और इससे मैं अपनी आई के पैरामीटर्स पे अप्लाई करूँगी बेसिकली लैश लाइन पे और अपनी क्रीज में। और उसके बाद जब मैं एक फ्लफी सा ब्रश लूंगी और उससे इसको ब्लेंड आउट कर लूंगी। मैं इस प्रोसेस को 2-3 बार रिपीट करूंगी जब तक आई गेट द डिजायर्ड पिगमेंटेशन। जब तक मुझे मेरा डिजायर्ड पिगमेंटेशन नहीं मिल जाता तब तक मैं बार बार अप्लाई करूंगी और ब्लेंड आउट करूंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज आई एम टेकिंग ये दो आई शेडो, क्योंकि मेरे पास पर्पल आई शेडो नहीं था जो अच्छे से पिगमेंटेड हो। तो मैं एक पिंक और एक ब्लू को मिक्स कर रही हूँ पर्पल बनाने के लिए, और उसको मैं उसी लाइनर के ऊपर अप्लाई करूंगी जहाँ जहाँ मैंने वो लाइनर अप्लाई किया बेसिकली मैं उन्हीं जगह पर ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करूंगी। मैं बार बार जा रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दैट कलर टू बी वेरी प्रोमिनेंट। अगर हम मैक का जो कॉकटेल ग्लैम है उसको अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा और डार्क डीप पर्पल है, ये थोड़ा सा जो है ब्राइट पर्पल हो गया था। सो यार देन आई एम टेकिंग दैट रेड कलर और इसको मैं अपनी ट्रांजिशन के लिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक ये वाला जो पर्पल था इस रेड के साथ में बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ। और आप देख रहे हो मैं ब्रश हार्डली टच कर रही हूँ अपने ब्राउ बोन पे। देन मैं एक ही हाईलाइटिंग शेड था इस पैलेट में उसको अपने सेंटर ऑफ द लिड पे अप्लाई करूँ जिससे एक शाइनी इफेक्ट आ जाए। जब भी मैं अपने आई बॉल मूव करूँ तो देयर वुड बी अ शाइन। अगेन गोइंग इन दैट पर्पल एंड ब्लू कलर, मैं जो भी कलर था मतलब जो बेसिकली कलर हमने अप्लाई किया था उसी को और इंटेंसिफाई कर रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पैलेट इज गाइज देयर वॉज नो फॉल ऑफ व्हाटसो एवर। आप देख सकते हो खुद से, यूजली आई शेडोज जो होते हैं फॉलो ऑफ होते हैं मैट होते हैं तो स्पेशली, बट स्टिल अगर थोड़ा बहुत भी है तो मैं उसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ एक क्लीन ब्रश की हेल्प से। तब मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ यूजिंग ओलिविया का फाउंडेशन, दिस इज इन द शेड नंबर 1। और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्शन के लिए। आई लव यूजिंग दिस क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से कवर अप करता है मेरी डार्कनेस को। एंड देन जब मैं इसके ऊपर दूसरा फाउंडेशन अप्लाई करूँगी वो बहुत अच्छे से इसके साथ ब्लेंड हो जाएगा और ये मूव नहीं होगा। सो आई रियली लाइक हाउ इट लुक्स ऑन माई स्किन, जो भी कॉम्बिनेशन है। उसके बाद मैं ब्लू हेवन का फ्लोरिना फाउंडेशन ले रही हूँ और इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। मैं पहले ब्रश यूज़ कर रही थी, बट ट्रस्ट मी गाइस कभी भी इसको ब्रश से यूज मत करिएगा, बहुत ही पैची लगेगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद मैं इसको ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। ब्रश से आई डोंट नो बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा। मैं फिर से अपना मिस्केयर का फुल कवरेज मेकअप ले रही हूँ और अपने डार्क सर्कल्स को और बेसिकली उन सारी जगह पे इसको अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग की ज़रूरत है। सो अंडर आइज में, नोज पे, अराउंड माई माउथ एंड एवरीवेयर। और फिर अपना वही ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी जिससे मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया था और उससे मैं अपने इस कंसीलर को ब्लेंड आउट कर लूंगी। वंस आई एम डन डूइंग दैट मैं मिस क्लेयर का पाउडर ले रही हूँ और उससे अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ एक बड़े से फ्लफी ब्रश से। देन मैं एक छोटा प्रिसाइज फ्लफी ब्रश लूंगी और उससे अपने अंडर आईज को भी सेट करूंगी इसी पाउडर की हेल्प से। देन मूविंग ऑन टू द फेस, मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का 505 डायमंड ब्लश और इससे मैं अपने चीक बोन्स को कार्व आउट कर रही हूँ बेसिकली ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग फॉर अ क्रेजी कॉन्टोरिंग, मैं यहाँ पर सिर्फ हल्के से ब्रॉन्ज कर रही हूँ, अपनी हेयर लाइन को डिफ्यूज़ कर रही हूँ, अपने जॉ लाइन पर भी अप्लाई करूँगी इसको। सो यार जस्ट डूइंग दैट, एंड वंस दैट इज डन हम मूव करेंगे ब्लश की तरफ। और ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का
केक रूज, दिस वन इज इन द शेड नंबर 4 और ये बहुत ही अमेजिंग है। मैंने इस पे कंप्लीट रिव्यू किया हुआ है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। फॉर हाइलाइटिंग आई एम यूजिंग मिस क्लेयर का हाइलाइटर, शेड मुझे याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। इट इज एन अमेजिंग हाइलाइटर, सो उससे मैं अपने चीक बोन्स को बेसिकली हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूँ जिससे कि लाइट जो अच्छे से रिफ्लेक्ट हो। मूविंग बैक टू द आईज, मैं SFR कलर्स की मैजिक प्ले स्टिक पर से ले रही हूँ और अपनी लोअर लैश लाइन का स्मोक आउट कर रही हूँ एंड देन वापस से वही आई शेडो कॉम्बिनेशन लेके उसको भी सेट कर लूँगी और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से स्मोक आउट कर लूँगी। आप इस पर्टिकुलर स्टेप पे आप यू कैन गो क्रेजियर दैन दिस, लाइक मैं बहुत लाइटली करती हूँ, यू कैन गो इवन क्रेजी दैन दिस। इनर कॉर्नर्स को मैं उसी हाइलाइटिंग शेड से हाईलाइट कर रही हूँ जो कि मैंने अपने लिड पे यूज़ किया था। इट वॉज एन अमेजिंग एंड गॉर्जियस हाइलाइटर। मैं फिर ले रही हूँ आईटेक्स डार्जिलर का काजल और इसको मैं अपने वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ और टाइट लाइन भी कर रही हूँ उसी से। देन फॉर माई आईज, लाइक फॉर माई लैशेज आई एम यूजिंग मीनाओ का वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा। इसके साथ में दो पेंसिल्स भी आती हैं, ब्लैक एक ब्राउन, जस्ट टू लेट यू गाइज नो। और इससे मैं अपनी आई लैशेज पे कोट्स एंड कोट्स अप्लाई कर रही हूँ जैसे कि लैशेज मेरी फुलर लगे। दिस लुक डिड डिमांडेड फॉल्स आई लैशेज बट यू नो मुझे बहुत टाइम लग जाता है आई लैशेज लगाने के, इसलिए आई स्किप देम। और मुझे ऐसा लगा है लाइनर भी ज़रूरी था बट या बट मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे, मैक वाला जो लुक था उसमें उन्होंने लाइनर लगाया था कि नहीं। फॉर माई आईब्रोज आई हैव यूज इन कलर का जेल आईलाइनर ब्राउन वाला जो दो कॉम्बो में आता है एंड ब्राउ बोन पे मैं वापस से वही हाइलाइटिंग शेड यूज कर रही हूँ जो मैंने अपने लिप पे यूज किया था। फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग इन कलर का फ्लैशी लाइनर, दिस वन इज इन द शेड बॉम्बशेल और इससे मैं अपने लिप्स को लाइन करूंगी एंड फिल भी कर लूंगी। एंड आफ्टर दैट आई विल यूज एक्सपोज लिपस्टिक इन 07 ऑन नेचुरल, बट मुझे जो है थोड़ा सा और पर्पली टोन चाहिए था। देन आई एम सेटिंग माई फेस यूजिंग दी ग्लैम 21 मेकअप फिक्सर और उसको फैन आउट कर रही हूँ। मेरे लिप्स को मुझे लग रहा था थोड़ा सा और पर्पल इफेक्ट चाहिए था, तो वो जो ब्लू कलर था वो मैं उसको अपने लिप्स पे अप्लाई करूँगी, अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी एंड आफ्टर दैट मैं वापस से 07 ऑन नेचुरल उसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी जस्ट टू मैच इट ऑल विद माई आईज। एंड दैट यू गाइज इज माई फिनिश्ड लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लगा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। आई वॉज नॉट क्वाइट हैप्पी दो इस लुक से बट या A lot of you guys requested to do this. So, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। And I will see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.